सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ क्यूआर कोड स्कैन करके इंडिया किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, अगर आप कहीं शॉपिंग करने आते हो, कोई सामान खरीदते हो, अगर आपके पास कैश नहीं रहता तो क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा किसी बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ पेटीएम से स्कैन करके पैसा कैसे बैंक में ट्रांसफर करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी प्रेस लिए ताकि यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए यहाँ से मैं अपना पेटीएम अकाउंट को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। पेटीएम अकाउंट को जैसे ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आपके पास यहाँ पे शो होगा। देखिए आपको यहाँ पे नीचे में शो करता है स्कैन अन्य क्यूआर कोड, यहाँ से आप स्कैन करके पैसा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। नहीं तो ऊपर की साइड में देखिए यहाँ पे का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना, जहाँ भी आपका क्यूआर कोड है वो क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना। देखिए मैंने यहाँ पे स्कैन करा, देखिए इस तरह का ऑप्शन आपके पास खुल गया है। अब जितना भी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं अमाउंट को यहाँ पे मिनिमम, चलिए मैं फ़िलहाल के लिए 1 रुपये यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। 1 रुपये मैंने यहाँ से डाला फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 रुपये जैसे डाला आप देखिए यहाँ पे आपको पेटीएम बैलेंस से करना चाहते हैं कि या पेटीएम पेमेंट बैंक से करना चाहते। चलिए मैम यहाँ पे पेटीएम बैलेंस से कर लेता हूँ। यहाँ पे पेटीएम से यहाँ देखिए अवेलेबल फोर पेटीएम बैलेंस मेरा 21 रुपीज़ है यहाँ पे है। इसे डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पे के आइकन पे क्लिक करना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये पैसा देखिए बैंक में यह पैसा पहुँच चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर यह पैसा यहाँ पर सक्सेसफुल इस नाम से इसमें क्या है देखिए एक ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, देखिए पेड सक्सेसफुल यह पैसा बैंक में पहुँच चुका है। देखिए यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। आई होप ये वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके नीचे इस वीडियो में पूछ सकते हैं।